भाई मतलब सोच से परे 70 से 80 हजार रुपए लेके आओगे तो सुपर बाइक लेके जाओगे, सुपर बाइक। उसके बाद यहाँ पे देख लो सिर्फ और सिर्फ KTM की कतार रहने वाले। एक चीज खासियत F3 मोटर्स की, अगर आपके पास इतने भी पैसे नहीं है ना भाई, 50 हजार 60 हजार 70 हजार रुपए लेके आओगे ना तो विजय भाई आपकी ड्रीम पूरी कर दोगे। हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल एंड यू वाचिंग बाइको बीस्ट। आज बाइको बीस्ट आपके लिए लेके आ चुका एक धमाकेदार वीडियो सीधा F3 मोटर से। यस, अगर आप रहते हो मुंबई में तो आपको F3 मोटर्स मालूम ही रहेगा कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार यहाँ पे कलेक्शन रखते हैं। चाहे आपको चाहिए 150 cc की मशीन या फिर चाहिए आपको 900 cc या फिर 1000 cc की मशीन, सारे के सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाता है, वन एंड ओनली F3 मोटर्स। यहाँ पे देख ही सकते हो इनके पास यहाँ पे बुलेट का कलेक्शन है। उसके बाद अगर NS वगैरह चाहिए, ड्यूक वगैरह चाहिए तो वो भी आपको कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और हाँ, हमारे से जो यूथ रहते हैं भाई उनको चाहिए कॉन्टिनेंटल या फिर चाहिए एकदम स्पोर्ट्स बाइक तो यहाँ पे सारे अवेलेबल है। निंजा 300, 400, 650, डुकाटी मॉन्स्टर, कावासाकी Z900, Z800, बेनेली की TRK 502। उसके बाद अगर आप इधर लाइनअप देखते हो तो आपको यहाँ पे देख ही सकते हो R15 का बहुत ही तगड़ा कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। और ये लोकेटेड अपना दादर वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र। तो चलते फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके पास इतने भी नहीं है, 50 से 60 हजार रुपये लेके आओगे यहाँ पे आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगी। अपने साथ फ्रेम में जुड़ चुके विजय भाई, कैसे रहने वाला विजय भाई? बढ़िया, एक नंबर। तो क्या क्या कलेक्शन दिखाने वाले यहाँ पे? कलेक्शन की तो भरमार रहने वाली भाई, जिधर नजर मारो सीधर सिर्फ सिर्फ कलेक्शन देखने को मिलने वाला है। मार्केट में ना हंटर की शॉर्टेज चल रही है, यहाँ पे देख ही सकते हो एक नहीं दो दो यहाँ पे हंटर भी खड़ी है। उधर देखोगे तो पूरे ड्यूक की लाइनअप है, उसके बाद NS वगैरह RS वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलते फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विजय भाई हमारे जो चैनल पे ना सबसे ज्यादा वो निंजा के लवर है, बेनेली वगैरह, तो चलते फिर वहां से स्टार्ट करें। आओ, और बाकी ये सब भी मैं आपको दिखाने वाला जो कलेक्शन है। और ना एक चीज खास है F3 मोटर्स की, अगर आपके पास इतने भी पैसे नहीं है ना भाई, 50 हजार 60 हजार 70 हजार रुपए लेके आओगे ना तो विजय भाई आपकी ड्रीम पूरी कर दोगे। विजय भाई तो फिर स्टार्ट करते हैं वन एंड ओनली अपाची RR 310 से। ये अपाची RR 310 है, 2018 की है, फर्स्ट ओनर है, 5600 चली हुई है। okay. और इसका प्राइस होने वाला है 175,000 बिल्कुल। देन कावासाकी निंजा, ये कावासाकी निंजा 300 2016 की है, 14,000 चली हुई है और इसका प्राइस होने वाला है 230,000 फाइनल। अगर आपका रेफरेंस लेकर आएंगे तो ये 2 लाख रुपए में आपको दे देंगे। चलो भाई, तो 2 लाख रुपीज 2 लाख रुपए में आप लेके जा सकते हो कावासाकी निंजा 300, जो कि भाई पैरेलल ट्विन मशीन रहने वाली है, 300 cc में 12 सिलेंडर। उसके बाद भाई ये तो बहुत रेयर है यार। बिल्कुल, निंजा 400 है, 2018 की, 7500 ही चली हुई है और इसका प्राइस होने वाला है 4,30,000। इसमें भी फाइनल दे दो ना, आपका रेफरेंस लेकर आएंगे तो जरूर दे देंगे, 4 लाख रुपए में फाइनल कर देंगे। चलो भाई, तो 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए में आपको यहाँ पे निंजा 400 आपको देखने को मिल जाएगी। और आपको मालूम ही रहता है कि निंजा 400 भाई यहाँ पे बनता नहीं यूनिट, ये बाहर से पूरा कंप्लीट बिल्ड होकर आता है, इसके लिए इसका प्राइसिंग थोड़ा महंगा रहता है। देन फिर अपने पास कावासाकी निंजा 650 है, 2017 मॉडल है, 13,000 चली हुई है, इसका 4,65,000 है। 4,65,000 क्या बात है, तो 4,65,000 में ये 650 cc की मशीन रहने वाली है, पैरेलल ट्विन मशीन, 65 bhp की आपको पावर देखने को मिल जाती है। फिर न्यू वेरिएंट 600 है, दो BS6 वेरिएंट है, 2021 एंडिंग मॉडल है। okay. और इसका प्राइस होने वाला है 675 675,000 में ये मिल जाएगी। न्यू लेने जाते हो ना तो कुछ 8,99,000 की प्राइसिंग चल रही है। आप जाके गूगल पे भी सर्च कर लेना तो काफी अच्छे पैसे आपके सेव हो जाएंगे। देन वी हैव नेकेड में मॉन्स्टर। हाँ, ये डुकाटी मॉन्स्टर 797 है, 2018 है, 5800 चली है, लिमिटेड कलर है। okay. और इसका प्राइस होने वाला है 675। अच्छा, मतलब 675 में भी डुकाटी का यहाँ पे सपना पूरा हो सकता है, जो कि अपनी मॉन्स्टर रहने वाली है, डुअल डिस्क और 797 इसकी सीसी रहने वाली, बहुत ही पावरफुल लाइट वेट मशीन बट पावरफुल रहने वाली है। देन सबकी ड्रीम बाइक ये 900 है, BS6 वेरिएंट है, 2021 है, 2300 किलोमीटर ही चली हुई है, 10,10,000 रुपए में, 10,10,000। और अगर आप गूगल में करोगे तो इसकी कुछ जो अभी प्राइसिंग चल रही है 12,75,000 ऑन रोड प्राइसिंग चल रही है इसकी, और एसेसरीज वगैरह लगाओगे तो 13.5 लाख रुपए तक चली जाती है। एक बार डुकाटी मॉन्स्टर की आवाज सुना ना, उसमें आई थिंक एग्जॉस्ट भी लगा है। बिल्कुल, लेट्स फायर अप।
ये भी अपना ट्विन सिलेंडर लेने वाला डुकाटी मॉन्स्टर, इसमें भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा है। उसके बाद अपने पास देख ही सकते हो भाई कावासाकी की एक नेकेड मॉन्स्टर रहने वाली है G800, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर मशीन रहने वाली है 800 सीसी में। क्या डिटेल है भाई इसकी? इसकी डिटेल्स जो है वो 2015 की है, 14,000 चली हुई है, 6,40,000 रुपए में आपको मिल जाएगी, 6,40,000। और इसमें एसेसरीज में ये एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देगा। यस यस भाई, फायर अप करना तो बनता है, सुपर बाइक है तो। फिर भाई बिल्डिंग वगैरह सारे हिल जाएंगे इसके एग्जॉस्ट से, इतनी तगड़ी रहने वाली है। और ये रहने वाली अपनी कावासाकी की G800 इनलाइन 4 मशीन, और आपको भी ये 111 bhp के आरन प्रोवाइड करते, तो अगर G900 लेते तो 125 bhp के आरन प्रोवाइड कर देता, बट एग्रेसिव ज़्यादा ये रहने वाली है। तो आप इसको आगे परचेज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 6,40,000, 6,40,000 रुपये में। इसमें भी फर्दर नेगोशियबल हो जाएगा। विजय भाई ये साइड आते हैं, फिर दिखाते हैं अपने पास, देख ही सकते हो इनलाइन ट्विन में अपने पास बेनेली की TRK 502 अवेलेबल है, 390 किलोमीटर ही अवेलेबल है, 390 किलोमीटर 390 किलोमीटर। बिल्कुल भाई साहब, मतलब जस्ट आई है शोरूम से चल के अपने F3 मोटर्स में आ गई है भाई। हाँ। और इसका प्राइस होने वाला है 6,50,000 2022 मॉडल। ओके, तो 2022 मॉडल रहने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 320 किलोमीटर कुछ चली है। और गाड़ी देख सकते हो सिंगल ऑनर रहने वाली है, और गाड़ी की रूप रंगत भी आप देख सकते हो, अगर एडवेंचर करना है और आपको इनलाइन ट्विन में बेनेली की मशीन चाहिए तो आप इसको आप प्रीफर कर सकते हो, बहुत ही शानदार रहने वाला है। और भाई साउंड भी आपको बहुत अच्छा खासा प्रोवाइड करता है। अगर ये सुपर बाइक को भी अगर लेना है तो अगर इतने पैसे नहीं तो कितना देना पड़ेगा सुपर बाइक में डाउन पेमेंट? डाउन पेमेंट मिनिमम तुम 70,000 से 80,000 रुपये डाउन पेमेंट करो, प्रोवाइड करा देंगे। सुपर बाइक की बात चल रही है बॉस? बिल्कुल, 70,000 से 80,000 रुपए डाउन पेमेंट करो, मैं करवा दूंगा लोन। भाई मतलब सोच से परे, 70,000 से 80,000 रुपए लेके आओगे तो सुपर बाइक लेके जाओगे, सुपर बाइक। उसके बाद यहाँ पे देख ही सकते हो अपनी मिनी सुपर बाइक, जिनको चाहिए ना कि 150 सीसी में एक मॉन्स्टर, तो अपने पास है। फिर लाइन से एकदम बताते जाओ विजय भाई फटाफट। ये 2021 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर, और इसका प्राइस है 1,95,000। R15 V4 है, ये भी R15 V4 है, ब्लैक वेरियंट में, 2022 की है, 8,000 किलोमीटर चली, 1,90,000 रुपए में। दूसरी आगे R15 M मिल जाएगी, 2022 की, 5,800 किलोमीटर चली है, 2,00,000 रुपए में, क्विक शिफ्टर के साथ है। बिल्कुल, तो ये R15 M मिल जाएगी, जो कि मॉन्स्टर एडिशन है, जो 2021 से सेकेंड ओनर है, 5,500 चली हुई है, और इसका प्राइस होने वाला है 1,85,000। ओके, देन फिर V3 में दो वेरिएंट है, ब्लैक कलर और ब्लू कलर है। हाँ। जैसे कि ये 2023 की है, 280 किलोमीटर ही चली हुई है, 175 में। भाई ये तो मतलब बोलते ना सोने पे सुहागा वाला डीलरशिप, और सिर्फ बहुत ही 300 के अंदर चली है गाड़ी 2023 की, 1,65,000 में आप इसको ओन कर सकते हो। देन इसकी ये V3 है, 2021 की है, ब्लू कलर में, 4,800 किलोमीटर चली, 1,60,000 रुपए में। ओके विजय भाई, ये साइड आते फिर दिखाते, अगर आपको आरी में कलेक्शन चाहिए ना 650 सीसी में, तो भाई बवाल मशीन लगी हुई है, तो फटाफट से इंटरसेप्टर से शुरू करते। फिर इंटरसेप्टर 2020 की है, 8,000 चली हुई है, 290 में। ओके, ये आपको आ जाएगी 2019 का मॉडल है, 990 किलोमीटर ही चली हुई यार, और 2,90,000 रुपए में। और इसका डाउन पेमेंट, भाई डाउन पेमेंट सुन के आप हैरान रहने वाले, मतलब कितना, जितना मेरा 80,000 डाउन पेमेंट हो ये लेकर लो भाई, जितना आईफोन आते हैं 80,000 के, 80,000 रुपए लेके आओगे, लेके जाओगे ये वाली। अभी शूज वगैरह सब कैंसिल करो, बाइक लेके जाओगे फटाफट। ये 2019 की है, 6,600 चली हुई है, और ये भी 2,90,000 रुपए। ओके, तो 2,90,000 में ये भी, देन फिर क्रोम एडिशन, 2,90,000 रुपए में क्रोम एडिशन, जो कि भाई अगर आप लेने जाते तो जो स्टैंडर्ड आती है उससे ज्यादा महंगी रहती है क्रोम एडिशन, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है, बट यहाँ पे आओगे तो भाई आपको सिंगल डॉट प्राइस 2,90,000 में लेके जा सकते। इसके बाद 2022 की ये BS6 वेरिएंट है, 2,000 किलोमीटर चली हुई, और इसका प्राइस होने वाला 3,50,000। क्या बात है, 2,390 किलोमीटर ऐसे ही रहे, ये तो पूरी मॉडिफाइड लग रही है मेरे को। बिल्कुल, इसमें एसेसरीज भर भर के लगा हुआ भाई, एग्जॉस्ट है, वाइजर है, हेडलाइट प्रोटेक्टर है, ग्लैक गार्ड है, भाई बहुत कुछ, ECU लगा हुआ है इसमें, बहुत कुछ लगा हुआ है। और ये 2019 की 8,900 किलोमीटर चली हुई, 2,90,000 रुपए में। इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लो, चलो ना भाई सुनाओ ना, फिर भाई फैन हो जाएंगे, क्योंकि आरी जितने भी रहते ना, कॉन्टिनेंटल ले लो या फिर इंटरसेप्टर, बहुत ही स्मूथ साउंड निकलता है। माइक वगैरह लग रहा है मेरे को, चल जाएगा फिर 2,90,000 में 2018 की लेके जाओ, वो भी एकदम मॉडिफिकेशन हो। हाँ, अब अगर आपको चाहिए कि कैफे रेसर में चाहिए राहुल भाई, तो इंटरसेप्टर तो दिखा लिए, तो यहाँ पे 3-3 कॉन्टिनेंटल GT650 भी रखी है, तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। 2020 की है, 9,300 चलिए, 2,90,000 रुपए में। देन फिर वो
ये आपको 2021 की है, 1300 किलोमीटर है 340 में। फिर रेड कलर, रेड कलर जो है 2021 का मॉडल है, 3000 चली है, 3.5 लाख रुपए। इसमें कॉल भी लगा है, सीट कॉल भी लगा है, एग्जॉस्ट लगा है, और इसमें भी ये सिंगल सीट लगा है, डबल सीट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, देख सकते हो इसका जो आता है कंपनी से ऐसा रहता है, बट ये आफ्टर मार्केट सीट लगा है, देख सकते हो इसमें भी आफ्टर मार्केट आपको यहाँ पे सीट कॉल भी देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब तीनों रहने वाले यहाँ पे कॉन्टिनेंटल, बाकी तीनों के तीनों एकदम अलग ही रूप रंगत में रहने वाले। देन वी हैव बेनेली 300i जो कि भाई इनलाइन टू मशीन रहने वाले, 300 सीसी में भाई सुपर बाइक को भी पछाड़ देती है साउंड में, बहुत मस्त रहने वाला है इसको। ये 2016 की है और इसका प्राइस होने वाला है 1,90,000, 1,90,000 बिल्कुल, 1,90,000 में मिनी सुपर बाइक दे रहे हो आप, बिल्कुल। साउंड भी सुना दो ना फिर मिनी सुपर बाइक की। एक नंबर है भाई, 300 सीसी में ऐसी कोई साउंड नहीं करती मशीन। उसके बाद अपने पास हार्ली डेविडसन का स्ट्रीट रॉड 750 है, 2019 मॉडल है जो कि 13,000 चली हुई है, 475 इसका प्राइस देने वाले हैं, लिमिटेड कलर के साथ। यस, लिमिटेड कलर है, बाकी यहाँ पे एक्सेसरीज भी लगी है, देख ही सकते हो। और स्ट्रीट रॉड 750 और एक स्ट्रीट 750 में अंतर देख ही सकते हो, इसका जो सीट का थोड़ा रहता है, फिर हैंडल बार का भी रहता है, और यहाँ पे आपको डुअल डिस्क भी आपको देखने को मिल जाती है जो कि नॉर्मल 750 में नहीं आते। उसके बाद वल्कन है, इसकी क्या डिटेल है? 2018 का मॉडल है, 2000 चली हुई है, 466 उसका प्राइस है, 4,66,000। ओके, 4,66,000 में आपको मिल जाएगी, इसमें भी नेगोशिएट हो जाएगा, जस्ट आना है, चैनल का नाम लेना है। उसके बाद ये कौन सी है, मतलब ट्रायम्फ की, ट्रायम्फ की ट्रक्शन 900 है, ये बहुत लिमिटेड बाइक है और मॉन्स्टर है यार, बिल्कुल है सर में। ये 2017 की है, 3,600 चली हुई है, 5,00,000 रुपए इसका कोट करे, बट आपका रेफरेंस लेकर आएगा तो भाई 4,80,000 रुपए में दे, भाई साहब 4,80,000, 4,80,000 रुपए में ट्रायम्फ की बाइक लेके जा सकते हो, जो कि भाई मालूम रहेगा बहुत ही पॉपुलर अपनी सुपर बाइक की कैटेगरी में आती है, केफर रेसर रहने वाले 900 सीसी की रहने वाली है। उसके बाद चलते सीधा अपन आरी की कलेक्शन में, देख सकते हो यहाँ पे ताबड़तोड़ लगी है, जो आरी की कलेक्शन मारो, क्रोम में मांग लो, चाहे रेडिश रेड कलर में मांग लो, या फिर देख सकते हो सारे के सारे कलर अवेलेबल है। विजय भाई इससे स्टार्ट करते फिर। ये 2020 की है, 13,000 चली है, 1,90,000 रुपए में। उसी के आगे डेजर्ट स्टॉर्म मिल जाएगी 2021 की, सिर्फ 390 किलोमीटर चली है। भाई साहब मतलब कहां से लाते हो, मतलब कुछ राज बता सकते हो? फिर रहता है, मिल जाता है, और 2,20,000 रुपए इसका प्राइस रहने वाला है। ये क्रोम एडिशन है, 2021 की है, 3,800 चली है, 2,25,000 रुपए में। ओके, ये रिबॉर्न एडिशन है, 2021 की है, और इसका प्राइस है 2,45,000 जो कि चली हुई 3,000 किलोमीटर ही। ओके, हंटर, दो हंटर अवेलेबल, एक बेस मॉडल एक टॉप मॉडल है। बेस मॉडल जो आएगी 185 में, टॉप मॉडल आपको 210 में मिल जाएगी। यस, 2022 के मॉडल। ओके, तो दोनों के दोनों 2022 के रहने वाला, बेस मॉडल रहने वाला ये वाला अपना जो हंटर देख रहे हो ये, और ये रहने वाला अपना टॉप मॉडल रहने वाला। बेस मॉडल का प्राइसिंग क्या बोले? 185 और इसका 210, 2,10,000। देन मीटियोर, नहीं होंडा हाइनेस, सॉरी हाइनेस आरएस आपको मिलेगी 2021 की है, 7,000 चली हुई, 2,10 में मिल जाएगी। ओके, फिर हाइनेस, हाइनेस आपको मिल जाएगी 185 में, 2020 की में। अच्छा, 2020 की है, 20,000 किलोमीटर चली हुई है। क्या बात है, तो 2020 मॉडल आपको 1,85,000 में मिल जाएगा। उसके बाद भाई बेनेली की इंप्रेले, देखो ये जो बाइक है ना भाई बहुत ही अंडररेटेड है, अगर आप बुलेट वगैरह लेने जाते हो ना, तो अगर आपको चाहिए प्रीमियम तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। 2020 का मॉडल है, 13,000 चली हुई है, और इसका प्राइस होने वाला है 1,75,000। बाकी इसकी की वगैरह भी देख सकते हो भाई, देख लो क्या प्रीमियम की देते हैं भाई। रॉयल एनफील्ड को थोड़ा सीखना चाहिए ये सबसे, बेनेली वगैरह से थोड़ा और प्रीमियमनेस देना चाहिए रॉयल एनफील्ड पे जितने पैसे ले रहे। उसके बाद अगर आप इधर आते तो भाई देख ही सकते हैं स्क्रैम 411 अपने पास रॉयल एनफील्ड की, इसके क्या डिटेल है? 2022 की है और ये 2,600 किलोमीटर चलिए, 2,25,000 रुपए। हिमालयन, हिमालयन आपको 2020 की मिल जाएगी जो की है 2,05,000 रुपए में। 2020 की नहीं, 2020 बातचीत चल रही है इसकी, नई गाड़ी कुछ 3,00,000 रुपए के आसपास चल रही है अभी, मतलब अच्छा खासा 95,000 तक आप सेव कर सकते हैं, उसमें भी डिस्काउंट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रा है 2017 की, 15,000 चली हुई, 1,30,000 रुपए में। ओके, क्लासिक गन मेटल ग्रे है, 2018 मॉडल है, 17,000 किलोमीटर चली, 1,60,000। इसमें लेग गार्ड वगैरह लगे, बाकी स्टॉक रहने वाले हैं, स्टॉक है एग्जॉस्ट के साथ है। 2019 का मॉडल है, रेडिश रेड है, 2,021,000 किलोमीटर चला है, 175 इसका प्राइस होने वाला है। फिर ये अपनी कौन सी कलर है? ये आपको सिग्नल एडिशन मिलने वाला है, हाँ, 2019 का मॉडल है, 185 में, और इसका प्राइस है 1,85,000, 1,85,000 बिल्कुल। बट देखो क्या रहता ना कि 1,85,000 ये तो प्राइसिंग यहाँ पे कोट कर रहे, इसमें नेगोशिएट तो हो जाएगा, बट यहाँ पे एक फैसिलिटीज अवेलेबल, अगर आपका पेपर में दम है तो भाई सिर्फ 40,000, 50,000, 60,000 रुपए लेके आओगे ना, तो जितने भी दिख रहे ना सारे के सारे आप अपने घर पे लेके जा सकते हो। देन अपने पास ये कौन मीटियोर है, फिर ये थंडरबर्ड, थंडरबर्ड 350X है, 19 मॉडल है, 1,75,000 में मिल जाएगा, 2019 की, 1,75,000 ABS वेरिएंट। ओके, ये मीटियोर
2020 का 2021 का मॉडल 20 का मॉडल है, 9000 चली हुई है, 2 लाख रुपए में मिल जाएगी। दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों तो सेम ही दिख रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत है इसमें, हेडलाइट्स का फर्क है, फिर सीटिंग पोजीशन थोड़ा सा कम्फर्ट जोन है, लेग गार्ड्स वगैरह, टायर्स ये है, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी है उससे। अच्छा, मतलब थोड़ी सी प्रीमियमनेस इसमें बढ़ाई गई है। ओके, तो ये रहेगी, बाकी अगर आपको चाहिए तो इसका माइलेज वगैरह भी ठीक ठाक आपको 35-38 का माइलेज भी आपको दे देगा, जो भी रहता है ना, ये माइलेज कंसर्न कर लिया और आपको चाहिए राइडिंग कंफर्टेबल तो लेके जा सकते हो। उसके बाद बजट सेगमेंट के लिए भाई अपने पास है MT-15 150cc की मॉन्स्टर, 150cc की बाइक और 150 भागती भी है। बिल्कुल भाई, MT-15 मार्केट में बहुत कम रेयर है, बहुत सारी शॉर्टेज है, 2021 की होने वाली है 1,60,000 रुपए में। ओके, 1,60,000 में 2021 की, आपको सिंगल चैनल अभी साथ है ना, सिंगल चैनल। उसके बाद ये बिल्कुल, ये 2019 की है, इसका प्राइस होने वाला 1,20,000, FZ250 है ये। ओके, उसके बाद एक और अपनी ये FZ150 है, ऐसे जो कि आने वाली है 2021 मॉडल 2019 मॉडल में, और इसका प्राइस होने वाला है 95,000। ओके, 95,000। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है मालूम, जितने भी बाइक लेते हो अदर डीलरशिप, बहुत सारे मुंबई में डीलरशिप है, बट F3 मोटर्स की जो प्रीमियमनेस है, जो क्वालिटी है ना भाई, अनमैचेबल है। आप आओगे यहाँ पे, फील करके देखोगे तो बोलोगे कि भाई यहीं से लेना मुझे। बिल्कुल, ये 2017 की है, 17,000 चली हुई, 95,000 में, 95,000। इसकी कलर वगैरह भी देख सकते हो, बहुत ही अट्रैक्टिव है, और 150cc में एकदम मॉन्स्टर। 150 या 250cc, 250cc राइट। उसके बाद अपाची तीन वेरिएंट में, जैसे कि ये 200 है, 2019 का मॉडल है, और इसका प्राइस होने वाला 95,000। उसी के बाजू में 2022 की मिलने वाली है आपको, 6,400 किलोमीटर चली हुई, जिसका प्राइस होने वाला 1,40,000। उसी के बाजू में 160 मिल जाएगी, जो कि है 95,000 में मिल जाएगी आपको। तो 95,000 में, और इसका कलर थोड़ा अलग लेने वाला देख ही सकते हो, ब्लैक है, बाकी दोनों रेड है। जो चाहिए यहाँ पे आके परचेस कर सकते हो। यस यस, मालूम आप किस चीज का वेट कर रहे हो, दी वन ओनली KTM का कलेक्शन। चलो लेके चलता हूं सीधा, आपको दिखाता हूं, 50,000 रुपए लेके आना और KTM की बाइक भी लेके जाना। उसके बाद अगर आपको चाहिए टूरिंग में, अगर टूर वगैरह करना है, तो यहाँ पे दो दो एक्सपल्स रखे। इसकी क्या डिटेल है विजय भाई? तो भाई नेक्स्ट लेवल है, 2023 की है। अरे वाह, किसी के पास नहीं, कोई भी डीलर्स के पास अवेलेबल नहीं है। इसका चैलेंज है मुंबई में फर्स्ट बाइक से सेकंड हैंड बाइक में, 2023 की है। अच्छा, 200 किलोमीटर चली, 1,60,000 रुपए इसका प्राइस हो रहा है। नए का प्राइस सुन लो भाई, 1,90,000 रुपए नए का प्राइस, मतलब 30,000 रुपए सीधा सीधी बचा लोगे, और उसमें भी एकदम नई जैसी बाइक लेके जाओगे। सिर्फ 200 किलोमीटर के अराउंड चली है बाइक, बहुत ही परफेक्ट रहने वाला। रिकॉर्ड ये भी 2022 मॉडल है, 14,000 चली हुई, 1,40,000 में ये लेके जा रहा हूँ। एवेंजर अपने पास, एवेंजर 1,25,000 रुपए मिल जाएगी, जो कि 2019 का मॉडल। तो ये रह गया, उसके बाद यहाँ पे एक बार क्विक में आ सकते हो, फटाफट से मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। देख लो यहाँ पे डोमिनर का भी लाइनअप लगा। डोमिनर कितने प्राइसिंग से स्टार्ट हो जाता है विजय भाई? डोमिनर आपको मिल जाएगा 180-110 से लेकर 2 लाख रुपए तक मिल जाएगा। ओके, तो डोमिनर का ये रेंज रहने वाला है। उसके अरे हाँ, NS लवर के लिए मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो हमारे भाई फिर गुस्सा हो जाएंगे कि यार सब दिखा लिया, NS नहीं दिखाए। तो देख ही सकते हो यहाँ पे कितने NS है भाई, 1, 2, 3, 4, 5 NS है, बता दो फिर। ये 2023 की है, इसका प्राइस होने वाला है 1.5 लाख रुपए होने वाला है। और ये 2022 की होने 145 होने वाला है इसका प्राइस। ये 2020 की है, इसका प्राइस होने वाला है 140। इसका प्राइस होने 2021 की ये भी, इसका भी प्राइस होने वाला है 140। ये सारे 200 या फिर 160? ये सब 200 है, BS6 वेरिएंट में, सब लेटेस्ट कलर्स है। ओके, और ये वाली? और ये 2019 की 1,10,000 रुपए में मिल जाएगी। फिर एक्सपल्स? एक्सपल्स आपको 2V मिल जाएगी, 2 है, जो कि ये आने वाली है 1,20,000 रुपए में, और ये आने वाली है 1,10,000। चलो भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1,60,000 का बजट नहीं है तो 1,10,000 रुपए में भी ऑप्शन अवेलेबल है। और इतने भी नहीं है तो आई थिंक एक्सपल्स में कुछ 30,000 रुपए में भी दे दोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, 40,000 रुपए डाउन पेमेंट देंगे तो करवा देंगे। चलो भाई, तो 40,000 जीपे मारना लेके जाना। उसके बाद यहाँ पे देख लो, सिर्फ और सिर्फ KTM की कतार रहने वाली, और अपना लास्ट लाइनअप रहने वाला है इस वीडियो का। तो स्टार्टिंग करते हैं फिर विजय भाई, फिर देख सकते हो अपन पास। ये 1990 की है, फर्स्ट ओनर है, सेकेंड ओनर है, और इसका प्राइस होने वाला 185। ये कितना, 2019 है? ओके, 2019। हाँ, 185 में मिल जाएगी। ये भी 2019 की है, ये उसका भी प्राइस होने वाला है 190 तक। और इसका 2018 की है, ये भी 185 की मिल जाएगी, जो कि दो वेरिएंट में अपने पास 250 है। 2022 है, 2020 है। 22 की जो मिलेगी वो 245 में मिल जाएगी, और 20 की जो मिलेगी वो 215 में मिल जाएगी। उसके बाद ये तीन चार वेरिएंट है अपने पास ड्यूक 200 में, जो कि ओल्ड शेप है, व्हाइट कलर है। भाई न्यू शेप से ज्यादा ना इसकी भी डिमांड है, जो बोलते ना डुक डुक वाली साउंड भाई सबके दिमाग में बैठ गया, वो उतर ही नहीं रहा है भाई। बिल्कुल हाँ, जो कि 2019 की है, और ये 1.5 लाख रुपए मिल जाएगी। ये भी 19 है, ये भी 1.5 लाख रुपए आपको मिल जाएगी। ये
ये आपको मिल जाएगी 2018 की 1.35 में मिल जाएगी, ये भी 2018 की सेकेंड ओनर 1.25 में दे देंगे। भाई साहब इतने कम प्राइसिंग भी भाई बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। उसके बाद ये 2019 की और इसका प्राइस होने वाला 115 ड्यू 125 है 2019 की, जिसको अगर माइलेज भी चाहिए और साथ में अगर थोड़ी हल्की मशीन चाहिए तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। लुक भी आपको मिल जाएगा और ड्यूक का टोरा भी आप मार सकते हो। देन स्वाट पिलियन, ऑक्स वर्ना की स्वाट पिलियन है 2021 की है 1,75,000। ओके, देन फिर अपने पास आरसी है न्यू वर्जन में, हां आरसी 125 है न्यू शेप में 2022 की है 5,000 चलिए 1,90,000 रुपए में, 1,90,000 में बिल्कुल भाई साहब। ये फिर ये और ये आरसी ये भी 125 है, हां हां 2021 की है 9,000 चलिए ये भी 1,60,000 रुपए में मिल जाएगी आपको। एडवेंचर में 250 मिल जाएगी, हाँ। जो कि होने वाली है 2,30,000 रुपए में 2021 का मॉडल। लो भाई 2,30,000 में आप KTM के एडवेंचर का भी सपना पूरा कर सकते हैं, जो कि 250 रहने वाली है और यहाँ पे 390 भी अवेलेबल है, 390 भी अवेलेबल है 2020 की है 3,10,000 रुपए में मिल जाएगी। BMW की GS 310 2021 की 1,200 किलोमीटर चलिए 3,40,000। क्या बात है भाई, और ये जो रहने वाला सारे के सारे F3 मोटर्स में अवेलेबल है। और विजय भाई की कॉन्फिडेंस कैसी लगी भाई, मतलब सारे बाइकों की डिटेल मालूम रहते पर कम से कम नहीं तो भाई 80-100 गाड़ियों की मैंने आपको डिटेल बता दिए, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे देख ही सकते हो, जो भी बाइक अगर आपको चाहिए तो फटाफट से आप F3 मोटर में आ सकते हो, अपने विजय भाई से मिल सकते हो, यहाँ पे आपको डील पूरी करके देंगे और लोन वगैरह भी आपको करवा के देंगे। लोन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए विजय भाई? लोन के लिए डॉक्यूमेंट सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और लाइट बिल लाओ, हाँ। और ये आपको लोन करवा देंगे। बैंकिंग ये मुंबई के जोन वाले ही होना चाहिए। ओके, मुंबई के आसपास वालों के लिए लोन अवेलेबल है, अदर स्टेट नवी मुंबई वगैरह हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, नवी मुंबई ठाणे ये सब साइड पे हो जाएगा, भिवंडी ये सब साइड पे लोन हो जाएगा। ओके, और हाँ एक चीज जो मैंने आपको बाइक दिखाया ना भाई, इसमें ना एक चीज मैं पॉइंट करना भूल गया था, जो आपने 2023 के अपने पास यहाँ पे एक्सपल्स देखे थे ना, इसमें ना बहुत सारे चेंजेस आए थे, जिसमें वाइजर आया था, उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज है वो मोड आया था। यस, मोड्स आया थे जो कि 3 मोड्स है, इसमें वाइजर है, हेडलाइट है, थोड़े से सस्पेंशन वगैरह में भी फर्क आया है। ओके, तो ये मतलब अपग्रेडेड वर्जन है V4 की। यस, और रेनी मोड वगैरह ये सब भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ भाई, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स में बोलो लोगों को कि अगर किसी को रैली प्रो एडिशन चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में आपको बताए, हम अवेलेबल करा देंगे उसको। भाई अगर चाहिए तो फटाफट से कमेंट में पूरा स्पैम कर दो, और कोई सा भी बाइक चाहिए या फिर 1000cc की कोई सा भी बाइक चाहिए आप यहाँ पे स्पैम कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे जो भी रहेगी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर दी जाएगी। बाकी जाना आपका F3 मोटर्स के इंस्टाग्राम को जाके पेज को फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे धमाकेदार अपने विजय भाई रील्स लाते रहते हैं। और F3 मोटर का प्रॉपर अपना लोकेशन कहाँ रहने वाला है? F3 मोटर्स दादर वेस्ट में रहने वाला है, कोहिनूर स्क्वायर के नीचे। ओके, कोहिनूर स्क्वायर किसी को पता नहीं है तो शिवसेना भवन सभी को पता है भाई। शिवसेना भवन के सामने ही कोहिनूर स्क्वायर है, उसी के अंदर बेसमेंट 2 में अपना शोरूम है। अच्छा, मतलब वही ना जो रील्स में बताया था ना, डिमांड के आगे ना डिमांड के पीछे आना आपको कोहिनूर स्क्वायर के नीचे। तो यही रही आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच विजय भाई इतना अच्छा टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी डिटेल देने के लिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।